नमस्कार दोस्तों, हिंदी फोटोशॉप वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं मेहुल शाह, आज आपको सिखाऊंगा स्टार बस इफेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो जो तारों की चमक होती है, जो किरणें होती है, उस तरह का कोई इफेक्ट बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फाइल में जाइए, न्यू पर क्लिक कीजिए और साइज लीजिए 1024x768 और ओके कर दीजिए। उसके बाद आप डिफॉल्ट कलर ले लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ पर जस्ट आप क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट कलर आ जाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद आप ग्रेडियंट चुनिए, उसमें ये फर्स्ट वाला जो है फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट, ये वाला चुनिए और ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट रखिए। और यहाँ पर आइए, शिफ्ट दबा के स्ट्रेट लाइन ऐसे कर दीजिए जस्ट यहाँ तक, तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद आप फिल्टर में जाइए, फिल्टर उसमें डिस्टॉर्ट और उसमें जाके वेव। मैंने ये सेटिंग पहले से की हुई है तो आप देख लीजिए। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें साइन नहीं स्क्वायर रखना है। तो ओके कर दीजिए, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आप क्रॉप टूल चुनिए और जितना भी आपको अनवांटेड एरिया है उसे क्रॉप कर दीजिए इस तरीके से। फिर आप मूव टूल चुनिए, फिल्टर में जाइए, डिस्टॉर्ट और पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप जाएंगे तो रेक्टेंगुलर टू पॉली, और ये है पोलर टू रेक्टेंगुलर, तो हमें ये चाहिए तो कर दीजिए। तो ये कुछ हल्का सा इफेक्ट आना शुरू हो गया है। तो इसे और भी ड्रामेटिक बनाने के लिए हम इसमें ब्लर, गॉसियन ब्लर। अब इसमें आपको कितना ब्लर चाहिए वो आपके पर्सनल टेस्ट पे डिपेंड करता है। आपको जितना चाहिए उस तरीके का आप ब्लर दे सकते हैं। तो मैं कुछ ये इतना रख लेता हूँ और ओके कर दीजिए। अगर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसे आप कलर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये इमेज एडजस्टमेंट और ह्यू सैचुरेशन, उसमें जाके यहाँ पर आप कलराइज कर देंगे। देखिए कलर आना शुरू हो गया। और अगर आप इसे मूव करेंगे तो आपको जो कलर पसंद है वो कलर में आप कर सकते हैं। जैसे कि स्टार बस्ट इफेक्ट है तो मुझे लग रहा है कि ये कलर कुछ सही है उसके लिए। इसकी सैचुरेशन में बढ़ाऊंगा तो उतना ही वो स्ट्रांग दिखेगा। तो और तैयार हो गया है आपका ये स्टार बस इफेक्ट। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।